Hello my dear students, I Sanjay welcome you once again in this channel. In this video, we will understand very important topic of French Revolution, that is the struggle to survive. Students, mid 18th century mein France mein kaafi zyada struggle chal raha tha aur struggle chal raha tha survival ko lekar, yani ki jeene ko lekar bahut zyada sangharsh ho raha tha. Ab itna sangharsh kyon tha, kya reasons the, chaliye aage samajhte hain. स्टूडेंट्स, बात करें फ्रांस की पॉपुलेशन की तो 1715 में वहाँ की पॉपुलेशन 23 मिलियन यानी कि 2.3 करोड़ थी, जो ईयर 1789 में बढ़कर कितनी हो गई, 28 मिलियंस यानी कि 2.8 करोड़. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रांस में पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या जो पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए बेसिक नीड्स होती हैं वो पूरी तरह से फुलफिल की जा रही थी या नहीं. कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज होने का रिजल्ट ये निकला कि जो प्रोडक्शन था वो डिमांड की अपेक्षा कम था. अनाज कम था लेकिन डिमांड ज़्यादा थी. एक किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा संघर्ष क्या होता है कि जब वहाँ की पॉपुलेशन को खाने पीने की चीज़ें ही ना मिल पाएँ, उसका पेट ना भर पाए, तो वो सबसे बड़ा स्ट्रगल है. और वैसा ही उस टाइम पर फ्रांस में हो रहा था. ज़्यादातर फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो वहाँ के कारखानों में, वहाँ की फैक्ट्रीज़ में लेबर का काम करते थे और मज़दूर वर्ग के थे वो लोग. वहाँ पर मज़दूरों की वेजेस को वहाँ के ओनर फिक्स करते थे, मतलब कि जो उनको मिलने वाली मज़दूरी थी वो वहाँ के कारखानों के मालिकों के द्वारा फिक्स की जाती थी. जिस डिमांड में समय के अकॉर्डिंग जो महंगाई बढ़ रही थी, उतनी सैलरी और उतना वेजेस जो ओनर थे फैक्ट्रीज़ के वो नहीं बढ़ा रहे थे. तो इसका कारण ये हुआ कि बेचारे गरीब मज़दूरों की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी. इवन उन्हें खाने पीने के लाले भी अब पड़ने लगे थे. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भैया अमीर आदमी तो और भी ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, लेकिन जो गरीब वर्ग का मज़दूर है वो और भी ज़्यादा गरीब हो रहा है, उसे खाने पीने की चीज़ें ही नहीं मिल पा रही हैं. अब इस कारण क्या हुआ कि वहाँ पर जो अमीर और गरीब के बीच की खाई थी वो और भी ज़्यादा चौड़ी होती जा रही थी. फ्रांस की कंडीशन और भी ख़राब जब हो जाती जब वहाँ पर उन किसानों के खेतों में बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, ओलावृष्टि के कारण पूरी की पूरी फसलें खेतों में तबाह हो जाया करती थीं. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रांस की ये थी कि इस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पर आम थी, मतलब हर दो तीन साल में वहाँ पर सूखा पड़ता था, वहाँ पर हर साल ओलावृष्टि होती थी, हेल वहाँ पर होता था, तो जिसके कारण लोगों को रोज़ी रोटी का संकट होना वहाँ पर आम बात था. यहाँ पर एक न्यू वर्ड हमारे लिए आया है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस. देखिए, सब्सिस्टेंस क्राइसिस किसी भी देश में उस कंडीशन को कहा जाता है जब उस देश में जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो बेस हैं, जो बेस रिसोर्स हैं, उनकी कमी भी पड़ जाए, वो भी खतरे में पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति को उस देश की सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है. और इसी तरह की सब्सिस्टेंस क्राइसिस उस टाइम पर फ्रांस में चल रही थी, देखने को मिल रही थी. तो प्रॉब्लम ये थी सबसे बड़ी कि एक तो लोगों के पास पैसे नहीं थे, मज़दूरी उनको महंगाई की अपेक्षा कम मिलती थी, खेतों में कुछ पैदा नहीं होता था, जिसके कारण महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई. और महंगाई का असर लोगों पर तब पड़ा जब उनकी बेसिक नीड थी पाव रोटी, जो आम आदमी के द्वारा खाया जाने वाला वहाँ का मेन मील था, तो वही महंगा हो गया, तो जिसका असर आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ना लाजमी था. और ऐसा ही फ्रांस के लोगों के साथ हुआ, जिसके कारण वहाँ पर सर्वाइवल का स्ट्रगल हो गया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड केयरफुली दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.